तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल गॉड टेक्निकल। दोस्तों सिखाना मेरा काम, सीखना आपका। सीधे टॉपिक पर आ जाते हैं। टॉपिक जो है आप लोगों का शेयर चैट का है, और टॉपिक है कि शेयर चैट पर पेमेंट की जो डिटेल्स हैं, जो भी आपने डिटेल्स दी थी, क्या वो चेंज कर सकते हैं क्या एक बार देने के बाद। आज के टॉपिक पर थोड़ा सा यही हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा दोस्तों, अगर आप शेयर चैट यूज़ करते हो, अगर आप हेलो ऐप यूज़ करते हो, अगर आप टिकटॉक या इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, तो भाई मैं सब पर आ चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से जाके फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि मैं आपकी आईडीज़ करने वाला हूँ वहाँ पर शेयर। तो आ जाते हैं टॉपिक पर थोड़ा सा। तो भाई टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि शेयर चैट पर जो आप पेमेंट की डिटेल भरते हो वो किन किन मेथडों पे होती है। अब मेथड उसके क्या है, पहला नंबर पे जो मेथड होता है वो आता है आपका पेटीएम नंबर। उस पेटीएम के लिए आपका पेटीएम वेरीफाइड होना जरूरी है, यानी कि उस पेटीएम की केवाईसी करवाना आपको वो अनिवार्य है, तो आप उसको अपना नंबर दे सकते हो शेयर चैट पे। पहले ऑप्शन पे आ जाता है ये। सेकंड ऑप्शन में क्या मांगता है आपको, सेकंड ऑप्शन में आपको मांगता है बैंक की डिटेल। अब बैंक की जो डिटेल्स होती हैं उसमें क्या होता है कि आपकी जो बैंक है वो बैंक नियर बाय, बहुत सी बैंक ऐसी होती हैं जो वो एक्सेप्ट नहीं करता, जिसमें वो रिक्वायर्ड करता है कि आप अपना पेटीएम नंबर ही उसमें दो। लेकिन जो बैंक का अकाउंट होता है वो बैंक के अकाउंट ऐसा नहीं है, 99% वो अप्रूव हो जाता है, 1% किसी कारण वो रह जाता है। अगर KYC गलत होती है या फिर उसमें कोई एक्सेप्टेबल नहीं, अप्रूवल नहीं होता उसका, तो वो हो जाता है। तो ये दो मेथड हो गए। अब इन दो मेथडों में आप क्या कर सकते हो, या तो पेमेंट का डालोगे अपना पेटीएम या फिर अपना अकाउंट नंबर। अब कई बार क्या होता है कि अकाउंट नंबर आपने अभी डाल दिया, लेकिन हो सकता है आपका 2 महीने बाद आपका अकाउंट बंद हो जाए, या आपने उसका बंद करना ही सोचा हुआ। या ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो सिम थी जिस पर आपका पेटीएम चल रहा है वो सिम खो गई है, और आप चाह रहे हो कि अब दूसरा नंबर निकालना, और दूसरे नंबर निकालोगे तो जाहिर सी बात है आपको अकाउंट भी दूसरे पेटीएम को उसमें बनाना पड़ेगा, पहले अकाउंट से वो कनेक्ट नहीं हो सकता पेटीएम के। अगर ऐसा होगा तो उसके लिए भी आपको OTP चाहिए, जो कि सिम खो गया तो OTP आपका आएगा नहीं। तो यहाँ पर आप जब चेंज करने के लिए जाते हो तो चेंज होता है या नहीं, तो भाई यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि शेयर चैट पर ऐसा ऑप्शन अभी तक है नहीं। मतलब आपका जो पेमेंट अकाउंट है, पेमेंट जो मेथड है, वो अकाउंट हो या फिर आपका पेटीएम हो, दोनों जब अप्रूव्ड हो जाते हैं तो वो एक स्टैम्प हो जाता है। स्टैम्प इन द सेंस कि आपकी प्रोफाइल के साथ वो स्टैम्प हो जाता है। अब मैं एक फॉरन एग्जांपल के थ्रू उसको बताऊं। एक फॉर्म है छोटा सा, अब उस फॉर्म को थोड़ा सा समझिएगा। उस फॉर्म पे सबसे ऊपर लिखा होता है शेयर चैट। शेयर चैट के बाद आपका नाम आएगा उसमें, उसके बाद आपके यूज़र नेम आएगा, जो आपकी यूज़र नेम आईडी है, उसके बाद आपके कब आपने उसको ज्वाइन किया था वो ज्वाइन आ जाएगा उसमें। टर्म्स एंड कंडीशन के चलते हुए जब अगर आप चैम्पियनशिप में आ चुके हैं, तो जो आपकी वीडियोस हैं उसमें कोई टर्म एंड कंडीशन वाली जो चीज़ें हैं वो सारी अप्रूव हैं, तो उसमें वो अप्रूव होगा। अप्रूव के बाद आपका जो बैंक है, बैंक होगा। अगर आपका पेटीएम दिया है आपने तो पेटीएम पे होगा। ये एक फॉर्म बनता है, एक फॉर्म होता है, उस पर शेयर चैट स्टैम्प लगाता है और वो फॉर्म चला जाता है शेयर चैट टीम पर कि आप शेयर चैट यूज़र हो। तो इसी तरह का एक वो फॉर्म है। अब उस फॉर्म के लिए आप रीअप्लाई तो कर नहीं सकते हो। अब अगर उसको रीअप्लाई अगर आपको करना होगा, तो जहाँ तक मैं जानता हूँ वो यही है कि आप सेकंड अकाउंट अपना बना सकते हो उस दूसरे अकाउंट में। और अब आपको ध्यान भी रखना है कि जो आप पेटीएम अकाउंट दे रहे हो या फिर अकाउंट नंबर आप शेयर कर रहे हो, वो ऐसा हो जो आप परमानेंटली यूज़ कर रहे हो। ऐसा ना हो कि आप उसमें गलत चीज़ें या फिर गलत कोई ऐसी चीज़ें डालो जो आपको आगे जाके उसको चेंज करने की नौबत आ सके, तो ऐसा आपने उसमें नहीं डालना। तो वीडियो आज की इतनी थी, सोचा आप लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन तक पहुंचा दिया जाए। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो कि आज के टॉपिक पर यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी शेयर चैट से जुड़ी हुई। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो भाई वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा सहूलियत मिलती है, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन पैदा होता है कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना रहा हूँ दोस्तों। दूसरी चीज़ ये कि आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें मुझे, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पर आपके लिए आईडीज़ प्रमोट करने वाला हूँ आपकी बहुत जल्द। एक टाइम उसका एक स्लॉट मैंने बांधा हुआ है, तो इंस्टाग्राम पर भाई फॉलो कर लेना। आज के लिए बस इतना है दोस्तों। जय हिंद।